Welcome to Kash Kitchen. Please like, share and subscribe our YouTube channel. आज हम बनाएंगे वेज चीजी क्रोकेट्स विद सालसा डिप, जिसके लिए हमें चाहिए ग्रेटेड पोटैटोज 3 मीडियम साइज, फाइनली चॉप फ्रेंच बीन्स 1 टेबलस्पून, ग्रेटेड कैरेट 1 टेबलस्पून, स्वीट कॉर्न 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर आधी टीस्पून, चिली फ्लेक्स आधी टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, ब्रेड क्रम्स आधा कप, मोज़रेला चीज़ क्यूब्स 10 से 12। सबसे पहले एक बिग बाउल में ग्रेटेड पोटैटोज डालें। अब उसमें फ्रेंच बीन्स, कैरेट, स्वीट कॉर्न, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और नमक को अच्छे से मिला लें। एक टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स इसमें मिक्स करें, इससे आलू का चिपचिपापन थोड़ा कम हो जाएगा और इनको अच्छे से मिलाकर एक साइड में रख लें। अब एक कटोरी में कॉर्नफ्लावर लें और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लें। और उसको साइड में रख लें। अब मिक्सचर से छोटा बॉल बनाएं, या आप अपनी पसंद की कोई भी शेप बना सकते हैं। अब उसके अंदर चीज़ क्यूब फिल करें और उसको वापस रोल कर लें। ऐसे ही बाकी सब बॉल्स बना लें और एक प्लेट में साइड में रख दें। अब इन बॉल्स को एक एक करके कॉर्नफ्लावर पेस्ट में डिप करें। और ब्रेड क्रम से कवर करें। आप इन बॉल्स को किसी एयर टाइट कंटेनर में डीप फ्रीज में रख सकते हैं और आपका जब मन करे इनको फ्राई करके खा सकते हैं। बाकी सारी बॉल्स भी ऐसे ही बना लें। अब एक कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर तेल गरम करें और बॉल्स को डीप फ्राई करें। ध्यान रखें एक बार में सिर्फ 2 से 3 बॉल्स ही डालें, क्योंकि ज़्यादा एक साथ में डालने से ये आपस में चिपक भी सकती हैं। बीच बीच में इनको टर्न करते रहें ताकि यह सब जगह से अच्छे से फ्राई हो जाए। इनको गोल्डन कलर होने तक फ्राई करें। अब किचन पेपर टॉवल पे निकाल लें। वेज चीजी क्रोकेट्स तैयार हैं।
सालसा डिप बनाने के लिए हमें चाहिए टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ प्याज 2 टीस्पून, बारीक कटी हुई कैप्सिकम 2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स स्वाद अनुसार, प्याज कैप्सिकम और चिली फ्लेक्स को टोमेटो केचप में अच्छे से मिक्स कर लें। सालसा डिप तैयार है। वेज चीजी क्रोकेट को आप सालसा डिप या फिर किसी और सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं।